तो यहां पर हिना रब्बानी खार को आप सुन रहे थे, श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई। श्वेता, इंटर्न भले ही उस तरह से जवाब ना दे पाए हों, लेकिन उनकी मास्टर जो हैं वो बखूबी उन्हें डिफेंड कर रही हैं। लगातार उनको लेकर चाहे पाकिस्तान में इंटरव्यूज हो या फिर मीडिया बाइट देना हो, वो समझाने की कोशिश कर रही हैं कि विरोध गलत हो रहा है और ये जायज मुलाकात है, जरूरी मुलाकात है पाकिस्तान के हित में। किस्मत भी देखिए कि शुभांकर आप मास्टर कह रहे हैं लेकिन वो डेप्यूटी उनकी इस समय है, तो मौजूदा पाकिस्तान सरकार में काफी इस तरह की चीजें हुई हैं। बिलावल भुट्टो के आने को लेकर नर्वसनेस पाकिस्तान का इसलिए समझ में आता है क्योंकि 2014 के बाद देखिए जब नवाज शरीफ आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाया गया, तो उसके बाद से कोई उतना बड़ा हैसियत रखने वाला पाकिस्तान में कोई भारत आया नहीं है, तो उसका नर्वसनेस इस चीज को लेकर भी है कि बिलावल भुट्टो यहां पर आ रहे हैं, अब क्या होगा। अब एससीओ के लिए भी देखिए, जो अलग अलग स्तर की बैठकें होती हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई या एनएसएज की बैठक हुई, उसमें पाकिस्तान का नुमाइंदा यहां पर आया नहीं। वर्चुअली ये सारी बैठकें हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिनिधित्व की बात थी या फिर किसी और प्रतिनिधि को भेज दिया गया था यहां पर, जितनी भी अलग अलग बैठकें एससीओ की हुई हैं। लेकिन अब जब फॉरेन मिनिस्टर्स के आने की बारी आई, तो अब यहां पर बिलावल भुट्टो का आना, ये अपने आप में इसको बहुत अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। बिलावल भुट्टो यहां पर अगर आ रहे हैं, और उनका विरोध हिंदुस्तान में भी कुछ सियासी हलकों में विरोध हुआ था कि बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन जब यहां पर स्पष्ट किया गया कि एक प्रोटोकॉल होता है और उसके तहत आपको इनवाइट करना पड़ता है दूसरे देश के विदेश मंत्री को, और इतना ही नहीं, जब समिट होगा तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को भी आपको इनवाइट करना होगा क्योंकि आप एससीओ चेयर हैं इस साल के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो केवल अगर भारत आ रहे हैं तो पाकिस्तान में थोड़ा तो इस चीज को लेकर संशय रहेगा कि न जाने वो किस तरह की इमेज दे, उनकी मैच्योरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल पाकिस्तान में खुद भी उठते आए हैं, और इसीलिए वहां पर एक एक चीज को पढ़ा जा रहा है, बारीकी से देखा जा रहा है कि कहीं कुछ ऐसा गलत न हो जाए जो कि पहले से ही बदनाम हो रहे पाकिस्तान को थोड़ा सा और बदनाम कर जाए। शुभांकर, ठीक है, श्वेता आपका शुक्रिया। हालांकि बिलावल आ रहे हैं और गोवा आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी है, बाकी हमारी नजर बनी हुई है कि वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं और यहां से क्या संदेश अपने मुल्क को दे पाते हैं।